बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड का लॉकडाउन लग चुका है। मैंने आज तस्वीरें डाली हैं जो जिना अस्पताल का हमारा दस्तरखान है, सिर्फ उसके ऊपर लाइन जो है खाने वालों की वो तकरीबन 500 मीटर से लंबी लाइन है। तस्वीरें जेडीसी के पेज पर मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं खाने की, हमने क्वांटिटी हर जगह बढ़ा दी है। हमारे पास एक्सपो सेंटर से बेतहाशा कॉल आ रही थी, वहां पानी का इंतजाम करें पीने के लिए लोगों के, वहां पर खाने का इंतजाम करें। वेटिंग एरिया बहुत बड़ा है, हमारी रेस्क्यू टीमें वहां चली गई है, वहां पर ही सारा इंतजाम शुरू हो गया। हमारे जितने भी जगहों पर खाने हो रहे हैं कराची समेत पाकिस्तान भर में तकरीबन 28 मकाम पर हर जगह खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। अच्छा, चूंकि बैठा के खाने की कराची में पाबंदी है, इसलिए यहाँ पर पार्सल दिया जा रहा है। हमारे पास कनाडा की एक लड़की, हमारे पाकिस्तान की बेटी 20 साल की अलवीना आई है, और ये पाकिस्तानी है, कनाडा में मुकीम है, पैदा भी वहीं पर हुई है और अभी यहाँ पर आई है। अलवीना क्यों आई हो, क्या वजह है, लोगों को बताओ। डोनेशन देने आई थी कि अपने लोग परेशान हुए हैं, तो मैंने कहा कि थोड़े से जो पहली तनख्वाह थी उससे मैं आके पैसे दूँ। क्या तनख्वाह से क्या मुराद, क्या काम करती हूँ? मैं बच्चों की दुकान में काम करती हूँ, इतनी कोई खास जॉब नहीं है, मगर जो पहली तनख्वाह थी मैंने कहा उससे। अच्छा, क्या तनख्वाह, कितनी तनख्वाह आपकी? $1,000 थी। $1,000 में क्या नजर आता है आपको अपने लोगों के बारे में, आपको क्यों इतना दर्द है? पैसा तो आप जमा कर सकती हैं, $1,000 में तो बहुत कुछ आ सकता है। मुझे दिखता है वहाँ पर बैठे बैठे के लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, उनको चीजों की जरूरत है, यहाँ उनको मिलता नहीं है, उनकी फैसिलिटी सही से होती नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत है मेरे पास में। ये दर्द है आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर जितने भी पाकिस्तानी बैरून ममालिक मुकीम है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैंने दिखाई इसलिए वीडियो की, ये जज्बा है कि हमने कोविड में जो एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया उसमें बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार था, कनाडा वालों का बहुत अहम किरदार था, अमेरिका का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, फ्रांस, अफ्रीका, हर जगह, लेकिन कनाडा उसमें सबसे टॉप पर था। और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा तमाम बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान में आप जितने भी फलाही इदारे हैं उन सबको दिल खोल के सपोर्ट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जो माली तौर पर अगर आपसे मजबूत नहीं है उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी शादी ब्याह, उनके बच्चों की तालीमात में आप लोग सपोर्ट करते हैं, उनकी तालीम के मामला में। और एक बार फिर गुजारिश करूंगा, कोविड दोबारा से अपना असर दिखा रहा है, जो लोग भी किसी भी वजह से परेशान है, पिछले लॉकडाउन में मकरूज हो चुके हैं, उन सबका ख्याल रखना है, आगे बढ़ें, उनका साथ दें, आप जिस फलाही इदारे को चाहें सपोर्ट करें, अगर कोई नहीं मिलता तो जेडीसी से भी रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, लाइन देना डोनेशन, मैं आपको रसीद बना लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।